हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डाउट फ्री लर्निंग। माय नेम इज विवेक एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कम से कम हाई स्कूल पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप सीधे आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे कैसे ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ध्यान से इसको जरूर देखें, क्योंकि हर एक स्टेप को अच्छे से समझ लेने के बाद ही आप सक्सेसफुली स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की स्कॉलरशिप्स, फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स और लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको आना है मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां आने के बाद आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर सबसे ऊपर वाले लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होगा, जिसका टाइटल है समाधान स्कॉलरशिप एग्जाम 2021। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 1 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा, 25 जुलाई को होगा एग्जाम, 26 जुलाई को आंसर की आ जाएगी, 28 जुलाई को सुबह 9 बजे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और 28 और 29 जुलाई को आपको अपने डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी है। लेकिन ये डिटेल उन्हीं लोगों को सबमिट करनी है जो इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। उसके बाद 29 और 30 जुलाई को वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 31 जुलाई को ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आगे बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, 6 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 4 क्वेश्चंस होंगे जनरल स्टडीज़ के और 4 क्वेश्चंस ही होंगे इंग्लिश के। इस तरीके से टोटल आपको यहाँ पर 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करें फीस की, तो यह 100% फ्री है, आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करनी। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, तो अगर आपकी एज 16 साल से 40 साल के बीच है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन सिटीज़न है, नेपाल के सिटीज़न है या भूटान के सिटीज़न है, या फिर आप एक तिब्बती रिफ्यूजी हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपने कम से कम हाई स्कूल पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें हाउ टू अप्लाई, मतलब आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर, वो मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ। अब बात करें मेरिट ऑफ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 6,358 लोगों को स्कॉलरशिप दी जानी है और इन लोगों को 3 पार्ट में टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी में डिवाइड किया जाएगा। टाइप ए में 2,459 लोग आएंगे और ये वो लोग होंगे जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। टाइप बी में 1,567 लोग आएंगे और ये वो लोग होंगे जिनके मार्क्स 50% और 60% के बीच में होंगे। टाइप सी में वो लोग आएंगे जिनके मार्क्स 40% और 50% के बीच में होंगे। दोस्तों, अब चलते हैं ऐप पर और देखते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये है मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का ऐप, जिसे कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आने के बाद सबसे पहले आपको करना होगा लॉगिन। अगर आपका अकाउंट यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर और यहां जाने के बाद आपको स्कॉलरशिप टेस्ट वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर समाधान के आगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे कि आप इजीली सबमिट कर पाएंगे। मैंने अभी लॉगिन नहीं किया हुआ है तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं कि आप एग्ज़ाम कहाँ दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ भी देखिए लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ध्यान से लॉगिन पहले कर लेना है। लॉगिन करके जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं।
दोस्तों आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाने का। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।